ऊपर वाला जब खुद रूही को छप्पड़ फाड़ के सब कुछ दे रहा है तो मुझे तुम लोगों से भीख मांगने की क्या जरूरत है? रूही तुम मेरी बात को क्या चाह रहे हैं आप? क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? जाए 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 ना, बता दे। श्री रूही भी बता देगी सबको कि आपने मेरे साथ क्या किया। फिर भी मैं चुप हूँ, किसी को कुछ नहीं बताती, यहाँ पे खड़ी हूँ। अब फैसला आपका है, भाई से रिश्ता बचाना या बीवी से मोहब्बत। रूही बेचारी तो बस बोल ही सकती है, वो भी चुप है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी तुम्हारी कमजोरी है जो रूही के हाथ लगी है? ऐसा कौन सा जिंदगी का राज है जो तुमने अनीशा से भी छुपा कर रखा? मुझे अफसोस हो रहा है मुराद, तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हो, कहते हो, और तुम मुझे ही एतमाद के काबिल नहीं समझते। अगर अनीशा को पता चल गया कि मैंने इतनी बड़ी हकीकत उससे छुपाई है तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पूरी बात ना जानने पर वजी का क्या रिएक्शन होगा? पूरा सच सामने आने पर मेरी अस्थि पस्ती जिंदगी नफरतों की नजर हो जाएगी। खुदगर्जी की माफी मिल सकती है मगर धोखे की नहीं, और अनीशा को लगेगा मैंने उसे जानबूझ कर धोखा दिया। वो कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करेगी जो सच है।